नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एसोसाइटी से लॉगिन करके जन आधार के अंदर एक नया सदस्य कैसे जोड़े। तो सबसे पहले दोस्तों गूगल के अंदर जाके हमें एसोसाइटी से लॉगिन कर लेना है। या दोस्तों सारी प्रक्रिया आपको मैं बता दूंगा, तो वीडियो पर बने रहे। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। थोड़ा सा दोस्तों हमें इंतज़ार करना है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन का पेज आपके सामने दोस्तों ये खुल गया है और इसके पश्चात दोस्तों जो प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बाईं तरफ या सिटीजन ऐप है दोस्तों, इसके ऊपर टिक करना है। या दोस्तों आप क्विक सर्च करके भी आप जन आधार नाम से ऐप को आप ऑप्शन है दोस्तों उसे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप इधर बाईं तरफ सिटीजन ऐप लिखा होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे जिसके अंदर अपने को जन आधार नाम से दोस्तों सर्च करना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे फर्स्ट नंबर पर जन आधार यहाँ पे लिखा हुआ है और जन आधार पर हम टिक कर देंगे। इसके पश्चात दोस्तों हमें एक इनरोलमेंट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें टिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पर हमें जो सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है सिटीजन एड मेंबर, इसके ऊपर टिक करना है। और आप और भी देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर जन आधार से संबंधित ये ऑप्शन है और सिटीजन ऐड मेंबर पर टिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ फैमिली डिटेल शो होगी। और उसके बाद दोस्तों जो नया मेंबर आप जोड़ना चाहते हो यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, और यहाँ पे दोस्तों जिस मेंबर को आप जोड़ना चाहते हो उसकी 50 KB साइज की या फोटो है जो चूज फाइल के अंदर हमें जाके और पास में अपलोड नाम का ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है। फोटो का साइज दोस्तों 50 KB से कम या 50 KB तक होना चाहिए। और उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये डिटेल शो हो रही है इसको हमें भरनी है। जिस सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं उसका नाम, मुखिया से संबंध, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी डिटेल भरनी है दोस्तों। और आधार संख्या वगैरह जो भी है ये सारी डिटेल हमें अच्छी तरीके से भर देनी है। और भरने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है सदस्य जोड़े, इस पर हमें टिक करना है। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहो तो नीचे नाम पे ऑप्शन टिक कर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई और सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नई के ऑप्शन टिक करना है। अगर आपका क्या परिवार पूरा हो गया है तो हाँ पे टिक करना है। तो दोस्तों और सेव कर देना है। इसके पश्चात आपको एक रिसिप्ट यहाँ पे दिखाई देगी और गो बैक पे ऑप्शन के आने के बाद में दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन पे टिक करना है। और जिस सदस्य को हमने जोड़ा है यहाँ पे दोस्तों आपको सारी डिटेल शो होएगी, जितने भी सदस्य आपके, और जिस सदस्य को आपने जोड़ा है उसका नाम भी यहाँ पे शो होएगा। और उसके नाम के सामने दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे शो लिस्ट लिखा होगा, शो लिस्ट के ऊपर हमें टिक करना है। और उसके जो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो हमें थोड़े अपलोड करने पड़ेंगे। शो लिस्ट के ऊपर टिक करने के बाद में जिस सदस्य को आपने जोड़ा है उसका अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकती है, आधार कार्ड या जिस उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चूज फाइल के अंदर जाके अपलोड करने हैं। और दस्तावेज अपलोड करें पे हमें टिक कर देना है। इसके बाद में वेट, यहाँ पे लिखा है वेट पे हमें टिक करना है। और फिर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके के ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है। थोड़ा सा दोस्तों इस पेज पर हमें इंतज़ार करना है और यहाँ पर ओके लिखा आ गया है। और इस प्रकार ये दोस्तों ये सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ सदस्य आपका जो है जन आधार कार्ड में जुड़ गया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।